आप इस साल परीक्षाओं को निरस्त कर दें और उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से हैं, NSUI संगठन की तरफ से, और आज हमने विशाल दवे जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर उन्हें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अंतर्गत हमारी चार मांगे थी, मुख्य मांग। पहली मांग ये थी कि अभी प्राइवेट स्कूल के जरिए ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो अध्यापक हैं अभी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी ऑनलाइन लेक्चर्स अपने अवेलेबल कराने चाहिए ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। दूसरी मांग यह है कि प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार ऑर्डर निकाल चुकी है कि आप उनसे उनकी फ़ीस नहीं ले सकते हो। उसके बाद भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा उनके अभिभावकों के फ़ोन पर मैसेज किया जा रहा है कि आप अपनी फ़ीस जमा कराएं। तीसरी मांग ये है कि बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो किराए पे रहते हैं, तो उनसे जो लैंडलॉर्डर हैं वो सारे उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, तो हमारी मांग है उनसे किराया ना लिया जाए। और लास्ट मांग ये है कि जैसे कि आप अभी अखबार में और सब जगह पढ़ते हैं कि यूनिवर्सिटी रोज़ अपना एक डिसीज़न देती है कि परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी संक्रमण की जो स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी तरह सही भी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप परीक्षा कराते हो तो विद्यार्थी अलग अलग जोन से आएगा, रेड जोन से भी आएगा, कंटेनमेंट जोन से भी आएगा, तो यदि एक संक्रमित बच्चे की वजह से सारे विद्यार्थी संक्रमित होते हैं तो उसकी जवाबदेरी किसकी होगी। आज किससे मिले इसको लेकर? आज हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर विशाल दवे जी सर से मिले हैं और उन्हें हमने ज्ञापन दिया है। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप उचित मांग लेके आए हैं, हम इसके लिए जरूर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? आशीष भारद्वाज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, छात्र प्रतिनिधि। प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं। दूसरी मांग ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गांव से आते हैं जो कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो अभी भी मतलब उनसे जो उनके किराया लिया जा रहा है उसको लेके मांग है। ये तो है नहीं कि सिर्फ रेड जोन से ही बच्चे आएंगे या ग्रीन जोन से ही आएंगे, जो कंटेनमेंट जोन से बच्चे आएंगे यदि बाई चांस उनमें से कोई संक्रमित होता है तो उसकी वजह से सारे छात्र छात्राएं संक्रमित हो जाएंगे। बहुत सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज सेंटर बनाया, ठीक है भाई इन्होंने सैनिटाइजेशन करा, लेकिन बाई चांस इक्का दुक्का स्थिति के अंदर यदि किसी क्षेत्र का या किसी वस्तु का सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया और आप एग्ज़ाम कराते हो और एग्ज़ाम कराने के बाद यदि आप इस साल परीक्षाओं को निरस्त कर दें और उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया, इस संदर्भ में आ जाऊँ।